तो 11,000 की लाइन हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। दो बच्चे जिनका भरी जवानी के अंदर जो दुनिया में से चले गए, तीसरा आदमी जिंदगी और मौत के बीच से गुजर रहा है, बाकी लोग गुजर रहे हैं। मेरे मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा घिनौना कृत्य, ऐसा मुर्दा हॉस्पिटल, ऐसे निकम्मे लोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। आईसीयू जिसके अंदर लोगों को तसल्ली रहती है कि हमारा पेशेंट आईसीयू में है, बहुत बढ़िया इलाज चल रहा होगा, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर लग रहे होंगे 5-5, 10-10, उनके परिजन बाहर बैठे हैं और इस उम्मीद से कि जो हमारा घायल जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है उसका इलाज हो जाएगा, अंदर जाके देखे तो वहां सिर्फ एक नर्स और पेशेंट को देख रही है। अरे क्या कर रखा है? मैंने मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा गंदा नजारा किसी इंसान के साथ भेड़ बकरी जैसा बर्ताव किया मैंने दीदी। शायद ये जनता की ताकत को कम करके हांक रहे हैं, यहां के भोले भाले लोगों का धैर्य की उनकी सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। मेरी यहां के पूरे प्रशासन से मांग है कि जितनी भी शहर के अंदर 11,000 के नंगे तारों की लाइन है वो सारी अंडरग्राउंड की जाए। मैं मुस्लिम मोहल्ले के अंदर में जाके देखा तो 11,000 की लाइन ऐसे, ऐसा निकम्मा अपन मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। डॉक्टर नहीं होना आईसीयू के अंदर, नर्स देखना जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, अरे जिले लेवल के हॉस्पिटल की ये स्थिति है तो गांव में क्या होगा? और उसके बाद में मौसम विभाग का अलर्ट था, बिजली विभाग के लोगों को सूचना दी गई थी, चीफ बैठता है, एसी बैठता है, आईएन एक्शन जयन, ये फौज निकम्मू की फौज क्या कर रही? सो रही थी। ऐसे शहर के अंदर 50 पॉइंट और हैं जहां हादसे हो सकते हैं, बिजली के, पानी भरने के, पानी की निकासी के। मैं मेरे नौजवान छोटे और बड़े भाइयों से कहना चाहता हूं, देखिए इनकी आदत पड़ गई है कि कोई मर गया ले जाएंगे, चले जाएंगे, इनको नौकरी करना सिखाएंगे हम कैसे नौकरी की जाती है। डॉक्टरों को जो ड्यूटी करना लाख लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, इनका बेटा होता, इनका भाई होता, इनका रिश्तेदार होता तो क्या हमारा डॉक्टर नहीं होता क्या? और यदि किसी देवता का भाई भतीजा होता तो वहां क्या यही स्थिति होती क्या? और यदि किसी पुलिस के अधिकारी या जिले के एसडीएम और कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी का कोई रिश्तेदार होता तो क्या उसकी स्थिति इतनी? एक नर्स देखनी होती क्या उसको? आप सोच सकते हो किस वजह से इन्होंने ऐसा कर रखा है। इसको ढर्रे को बदलना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे ये हादसा आखिरी हादसा हो, इसके बाद में किसी बहन का, किसी माँ का, किसी माँ की कोख न उजड़े, किसी के परिवार का जवान बच्चे का जनाजा न निकले, इसमें 5-5 लाख रुपए जान मरने वालों को तो ये बिजली विभाग देगा, इसमें तो क्या है, ये तो फैसला ही है, लेकिन इस परिवार की क्या स्थिति है, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? और जो इनकी देख रेख नहीं हो रही तो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको हॉस्पिटल में, जिन डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी न करने का जो पाप किया है,
उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। अभी मैं बात करना था एक बार आदमी नावड़ ना सांस बंद कर गया ना एक लो पाड़ ये अपने खुशी की बात नहीं है यार। हमने घर में तमाम बच्चे गए हमारे हम इस बात को हमारे लिए ये गम की बात इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इन निकम्मों के मैं नारे लगाऊंगा दो तीन अब सारे लोग उसमें आवाज देंगे। मैं कहूंगा शरम करो आप लोग डूब मरो साढ़े हो सकता मर जाए। शरम करो भाई शरम करो डूब मरो भाई डूब मरो शरम करो भाई शरम करो डूब मरो भाई डूब मरो शरम करो भाई शरम करो डूब मरो भाई डूब मरो शरम करो भाई शरम करो डूब मरो भाई डूब मरो शरम करो भाई शरम करो डूब मरो भाई डूब मरो पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिला कलेक्टर होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जिला प्रशासन तेरी कबर खुदेगी कार आज नहीं तो कल खुदेगी जिला प्रशासन तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी जिला प्रशासन की कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी जिला प्रशासन की कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। यदि ये निकम्मा पण नहीं कर रहे होते वो हमारे भाई आज हमारे बेटे यहाँ होते घर होते कहीं भी होते वो होते इन हिंदुओं की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब इनको मर्द कहूंगा क्या जो इन्होंने काम नहीं किया ड्यूटी नहीं की इन्होंने इनकी वजह से हमारे दो बच्चे मर गए तीसरा हमारा हम जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है बाकी हॉस्पिटल में बढ़े अरे ये डॉक्टर यहाँ नहीं है तो इनको मर्द कहूंगा क्या इंजर्ड नहीं है क्या है तो उनको हिलना नहीं करना चाहिए कहना चाहिए कहना चाहिए राज्य खुशी का जो 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 जिस जो जिसका पात्र उसको करेंगे। और आपको बताना चाहूँ इनको आप मेरे भाइयों आपको बताना चाहूँ इनको नौकरी करना सिखा दूंगा ये ड्यूटी करना सिखा दूंगा नौकर है जनता के ये खड़े तहसीलदार ये एसडीएम ये एडीएम ये कलेक्टर ये एसपी ये सीएमएचओ ये एसी ये चीफ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ब्यूरोक्रेट और ये ब्लॉक लेवल के सारे अधिकारी ये गजिटेड ये नॉन गजिटेड ये जनता के नौकर आपके नौकर है नौकरों की तरह रह रहे हैं क्या बाप बढ़ गए अरे नौकर है ये जमहूरियत है ये जनता जनता माँ बाप है जनता राज को पैदा करती है और ये जो बैठे हैं सारे जनता के नौकर हैं नौकर अरे इन्होंने नौकरों को बिगाड़ दिया वो ठीक करेंगे बता रहा हूँ आपको भाई आपका भाई कह रहे हैं इनको ठीक करके दिखा दूंगा मेरा नाम बदल दूंगा नौकरी सिखा दूंगा इनको जो अच्छा काम करेंगे उनका हम सलूट करेंगे उसका सम्मान करेंगे जो जनता की सेवा करेंगे जनता की खिदमत करेंगे उनको हम सलूट करेंगे उनका मान सम्मान करेंगे गंदा काम करेंगे उसको हम बद्दुआ देंगे बद्दुआ बनती है कि नहीं। अब हो सकता है कुछ लोग छुप के दे मैं तो बद्दुआ ओपन देता हूँ खुलने में देता हूँ मैं तो बद्दुआ मेरी यहां से निकलती बद्दुआ निकलती है काम बद्दुआ बड़ा किया हैरान हो जाता आदमी दिमाग खराब हो गया कि हॉस्पिटल आईसी में आदमी नहीं है आदमी पर आदमी मर रहे डॉक्टर नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिन में वर्किंग टाइम के टाइम में क्यों नहीं है। वो बच्ची वो एक नर्स थी मैं उसको सलूट करता हूँ बेचारी लग रही थी एक नर्स लेकिन उसका उसके लेवल का मामला वो बेचारी लग रही थी लेकिन उसका काम नहीं था। तो भाई लोगों
मुझे जहां भी नाइंसाफी होती है, कहीं भी दंगावास के अंदर दलितों को दिल ममता पूर्वक मार दिया गया तो राजनीति को दबा चला जाएगा।